नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। ये जो ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये SBI रेड पब्लिक स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विकास कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या देखेंगे, क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका पार्ट 2 देखेंगे। यानी कि पार्ट 1 यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो पहले ही हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। पार्ट 1 ये आपका आ चुका है पहले ही, आप इसको देख लेंगे। आज हम लोग उस वीडियो के आगे यानी कि उसके आगे हम लोग बात करेंगे और कुछ बहुत ही जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हम लोग जब लास्ट वीडियो एंड किए थे वहाँ पे था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है ये बात किए थे। तो हम लोग यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। फर्स्ट था कि जो मैटर्स होते हैं वो बहुत ही टीनी, यानी कि मैटर को अगर डिवाइड किया जाए तो उनका एक टीनी कंपोनेंट आता है, बहुत ही छोटे 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 सब्सटेंस से मिल के होते हैं जिसको हम लोग पार्टिकल्स बोलते हैं। यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जिस चीज़ से मिल के बना है उसके पार्टिकल्स का क्या गुण है, उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये बात करेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज 5 होता है, आपको याद रखना है। देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट कि वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, ये हो गया। सेकेंड आप देखिएगा कि ये हमेशा मोशन में होते हैं, मतलब कि ये रेस्ट में नहीं रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। अगला बात करेंगे हम लोग 3 कि इनके बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और हम लोग 4th बात करेंगे, चौथा, कि ये आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मेन ये 4 चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है, ये 4 चीज़ें जानेंगे। 5वां क्या है कि इसी सबसे 4 से रिलेटेड है। ये 5वां होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 5वां कि उनके बीच में स्पेस है, इसके अलावा वो मोशन में रहते हैं। तो मोशन रहता है तो हर एक पार्टिकल्स में, हर एक पार्टिकल्स का मोशन अलग अलग होता है, एक जैसा मोशन नहीं होता है, अलग अलग होता है। यानी कि रैंडमली वो मूव करते हैं, रैंडमली, कोई एक फिक्स्ड मोशन नहीं है, वो रैंडम मोशन करते हैं जिसको हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग बस सिर्फ जो 4th था वो बात करेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी वेरी क्या होगा, स्मॉल होगा। सेकेंड बात करेंगे कि वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। थर्ड क्या बात करेंगे कि थर्ड ये बात करेंगे कि उनके बीच में स्पेस होता है, जगह होता है। 4th क्या बात करेंगे कि आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच में एक इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1st है, 2nd है, 3rd है, इसके बाद फिगर के माध्यम से हम लोग कुछ समझेंगे, फिगर हो गया, और इसके बाद यहाँ पे 4th नंबर है। यानी कि 4 हम लोग यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इसके बाद और आज बात करने वाले हैं हम लोग किसका, तो एक टर्म आता है रिजिडिटी, रिजिडिटी का बात करेंगे। इसके बाद एक और टर्म आता है फ्लूडिटी, तो फ्लूडिटी का भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फ्लूडिटी जब ख़त्म हो जाएगा, रिजिडिटी हो गया, फ्लूडिटी हो गया, 2 चीज़ हो गया, आगे और क्या सीखने वाले हैं तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट और हम लोग ये सीखेंगे कि जो मैटर है, मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1st होता है सॉलिड, 2nd होता है लिक्विड, और 3rd होता है गैस, यानी कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। इतना होने के बाद में आगे और देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसमें हम लोग सॉलिड के बारे में बात करेंगे।
मेन रूप से हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, तो मेन रूप से हम लोग इस वीडियो में सॉलिड्स के रूप में बात करेंगे, यानी सॉलिड्स क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ होता है सॉलिड का उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन जानेंगे क्यों ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कुछ सॉलिड से रिलेटेड, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द सॉलिड, ये हम लोग बात करेंगे। आज का वीडियो इतना ही होगा। इसके आगे नेक्स्ट जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी कि ये जो है सेकेंड वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत ही ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जब हमारा थर्ड वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे तो सॉलिड के बारे में बात कर लिए हैं, उस वीडियो में हम लोग दो स्टेट के बारे में बात करेंगे, एक लिक्विड के बारे में बात करेंगे, लिक्विड, दूसरा गैस के बारे में बात करेंगे, यानी कि लिक्विड का स्टेट क्या होता है, गैस का स्टेट क्या होता है। इसके अलावे हम कुछ और, जैसे एक है डिफ्यूजन, तो हम लोग डिफ्यूजन के बारे में भी बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग डिफ्यूजन भी देखेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो का हो गया। चलिए अभी हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का जो पार्टिकल्स, मैटर जिस चीज़ से मिल के बना है, वो बहुत ही भेरी भेरी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, भेरी भेरी स्मॉल। इसको समझने के लिए देखिए, तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इसके मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टिकल्स भेरी भेरी स्मॉल होता है। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन टू और थ्री क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, यानी कि आपको ज़्यादा नहीं दो या तीन क्रिस्टल लेना है, दो या तीन क्रिस्टल किसका लेना है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4, ये इसका केमिकल फार्मूला है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका दो से तीन क्रिस्टल लेंगे, और आप देखिएगा ये दाना के रूप में दानेदार होता है, दाना दाना जैसा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। ये दाने दाने के रूप में रहेगा, पर्पल कलर का रहेगा, एक बात ध्यान दीजिए इसका कलर कैसा होता है, तो पर्पल होता है, तो पर्पल कलर का ये केमिकल है, KMnO4 इसका केमिकल फार्मूला है, इसको लेना है। इसको 100 ml यानी कि 100 ml वाटर में क्या करना है, डिजॉल्व करना है। तो जब आप इसको डिजॉल्व कीजिएगा तो द कलर ऑफ वाटर बिकम्स पर्पल, घोलेंगे तो वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पर्पल होता है, वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा वाटर का कलर पर्पल हो जाएगा। अब आगे देखिए, नाउ वी टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी कि वाटर में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को डिजॉल्व किए हैं तो सोल्यूशन बन गया, इसका हम लोग ज़्यादा नहीं 10 ml लेंगे, ओनली 10 ml, 10 ml लेना है, इज़ टेकन आउट एंड एडेड टू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, यानी कि एक साफ पानी है, उस साफ पानी में एक बीकर में साफ पानी लेना है, और वो कितना था, 90 ml रहेगा, ज़्यादा नहीं 90 ml है, उसमें ये जो 10 ml जो रंगीन पानी है, वो जो हमारा है वो साफ पानी, यानी कि जो 90 ml लिए हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल क्लियर वाटर है, और यहाँ से जो हम लोग ले रहे हैं, इस जगह से जो ले रहे हैं ये 10 ml, ये क्या है, ये एक कलर पानी है, कलरफुल है, कलर वाटर है, वहाँ पर 90 ml में इसको डाल देना है, क्लियर वाटर है, उसमें क्या कर दीजिए, डिजॉल्व कर दीजिए। तो देखिएगा कि ये पूरे पानी के, द कलर ऑफ द वाटर बिकम्स पर्पल अगेन, फिर से पूरे वाटर का कलर क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, बट लिटिल लाइटर, लेकिन पहले जो जितना डार्क कलर था, पहले जो ज़्यादा डार्क पर्पल था, अब वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिटिल लाइटर, यानी कि थोड़ा सा हल्का कम कलर होगा। अब फिर से इसमें से 10 ml निकालना है, और 10 ml निकालने के बाद फिर से दूसरे, यानी कि दूसरे एक बीकर में 90 ml साफ पानी लिए हैं उसमें फिर डालिए, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यूड, ये प्रोसेस लगातार चलता है 4 to 5 times, यानी कि 4 से 5 बार ये प्रोसेस को करते जाइए करते जाइए, मतलब कि एक सोल्यूशन बनाइए, वहाँ से 10 ml निकालिए और 90 ml साफ पानी में डालिए, फिर उसमें से 10 ml निकालिए, दूसरा साफ पानी जो 90 ml है वहाँ पर डाल दीजिए, इस प्रकार से प्रोसेस करते जाना है। वी सी दैट, हम लोग देखते हैं
एट द लास्ट, जो लास्ट में यानी कि पांचवा जो बिकर होगा उसमें द पर्पल कलर ऑफ वाटर इज ऑब्टेंड, यानी कि वहाँ भी आपको किस प्रकार का कलर मिलेगा, तो वहाँ भी आपको पर्पल कलर ही मिलेगा, उस जगह पे भी आपको पर्पल कलर ही दिखाई देगा। हाउएवर इट इज वेरी लाइट, मतलब वो जो कलर होता है बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन पर्पल कलर है तो दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ KMn4 आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि जो पार्टिकल है KMn4 का पार्टिकल वो बहुत ही क्या है, स्मॉल है। कैसे, तो चलिए इसका फिगर नीचे है, हम लोग फिगर से समझेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट बीकर है हमारा, यहाँ पे ये फर्स्ट बीकर है, इसमें हम लोग क्या किए हैं 100 ml वाटर लिए हैं और इसमें हम लोग कंसंट्रेटेड पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 क्रिस्टल हम लोग क्या किए हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट का डाल दिए हैं, इसे इसका कलर बिल्कुल डीप पर्पल कलर है, पूरा एकदम गाढ़ा पर्पल कलर। यहाँ से 10 ml निकालते हैं और 90 ml दूसरे क्लियर वाटर में डालते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, कम गाढ़ा है, यानी कि कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ डाइल्यूट इट, डाइल्यूट का मतलब होता है इसमें ज़्यादा वाटर है, यानी कि यहाँ से हम लोग ज़्यादा नहीं, इस जगह से हम लोग यहाँ पे कितना लाए थे, ओनली 10 ml, बस 10 ml ही हम लोग लाए थे, और ये जो वाटर था इसमें कितना था, 90 ml वाटर था, तो फिर से 100 हो गया। अब फिर से यहाँ से 10 निकालिए और इस 90 में डिजॉल्व कर दीजिए, फिर से डाइल्यूट कीजिए, डाइल्यूट का मतलब उसको हल्का करना है, यानी कि वाटर ज़्यादा और सोल्यूशन कम। फिर से यहाँ से 10 ml लेते हैं और यहाँ से लेते हैं, फिर 90 में डालते हैं, फिर 10, लास्ट में जब आप देखेंगे, जब आप लास्ट में देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, आप देखिए लास्ट में क्या हो रहा है कि बहुत ही वेरी लाइट पिंक कलर है, जो पर्पल कलर था वो बहुत ही हल्का पिंक कलर में, यानी कि पिंक नहीं है तो वो बोल सकते हैं थोड़ा सा पिंक जैसा दिखता है, बहुत ही हल्का, वेरी डाइल्यूट, यानी कि बहुत ही डाइल्यूट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं, जो फर्स्ट है उसमें से 2-3, यानी कि 2-3 दाना ही हम लोग लिए थे, ज़्यादा नहीं, 2-3, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4, इसका 2-3 दाना जिसको बोलते हैं ग्रेन्स, या हमको क्रिस्टल, यहाँ पे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोला जाता है और हम लोग दाना बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-3 दाना ही लिए थे, पूरे पानी को कलरफुल कर दिया था। अब यहाँ से फिर और ज़्यादा वाटर हुआ, और ज़्यादा वाटर हुआ, और ज़्यादा वाटर हुआ, अरे 2-3 दाना ही था, बताइए ये सारे पानी को, ये सारे पानी को क्या कहता, कलरफुल बना देता है। मतलब कि ये जो 2-3 क्रिस्टल है ना, ये 2-3 क्रिस्टल में 2-3 नहीं है, वो ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इसमें है, जिसके कारण से हर एक बार में वो हर जगह पे पहुंच जाता है और पहुंच करके पूरे बीकर में कलर को फैला देता है, पूरे बीकर में वो फैल जाता है। अगर 2-3 रहता तो कुछ यहाँ पे फर्स्ट बीकर में रह जाता, कुछ यहीं पे रह जाता फर्स्ट में, कुछ सेकेंड में रह जाता, कुछ थर्ड में रह जाता, तो यहाँ पे कैसे पहुँचता, यहाँ नहीं पहुँच पाता, यानी कि लेकिन ये हुआ यहाँ पे कि ढेर सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा यानी कि 3-4 दाने में ही बहुत ज़्यादा, मतलब कि दे आर वेरी वेरी स्मॉल, इससे ये पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। सेकेंड हम लोग बात करेंगे, देखिए द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर का जो पार्टिकल होता है उनके बीच में क्या होता है, तो स्पेस होता है, यानी कि पार्टिकल के बीच में जगह होता है। जैसे ये सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मैटर है, मैटर में क्या होंगे, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और इस पार्टिकल के बीच में जगह भी होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए वी टेक 100 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर, बीकर में हम लोग 100 ml वाटर लेते हैं, मार्क द लेवल ऑफ वाटर विथ ए मार्कर, यानी ये एक बीकर हो गया, इस बीकर में वाटर ले लीजिए और यहाँ पे मार्क कर दीजिए कि इतना वाटर हम लोग लिए, वहाँ पे निशान लगा देना है
ये सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, निशान लगा दिए। अब क्या करना है आगे देखिए क्या करेंगे, इसमें इस वाटर में हम लोग घोलते हैं चीनी, घोलते हैं यानी कि शुगर डिजॉल्व किया जाता है। कितना ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम, यानी कि पहले हम लोग 100 ml लिए हैं वाटर और अब उसमें 50 ग्राम शुगर को डिजॉल्व किया जाता है। वी ऐड 50 ग्राम ऑफ शुगर इनटू इट एंड स्टीयर विथ ए ग्लास रॉड, यानी कि एक ग्लास का रॉड लेना है इस प्रकार से, शीशा का जो छड़ होता है, और उस ग्लास के रॉड से इसको क्या करना है, मिक्स कर देना है। इसको मिक्स कर देंगे तो देखिए मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये चीनी डिजॉल्व हो जाएगा। द शुगर गेट्स डिजॉल्व बट, यानी चीनी उसमें घुल जाएगा, बट द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर डज नॉट चेंज, यानी कि जो वाटर हमारा इस जगह पे इतना था अभी भी उतना ही है। तो चीनी गया कहाँ, वेयर डज द शुगर गो, कहाँ गया चीनी, इसी में रहना चाहिए था लेकिन गया कहाँ। इससे ये पता चलता है, इट मीन्स देयर आर स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जैसा यहाँ पे हम लोगों ने फिगर बनाई है देखिए, इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह है और इस जगह के बीच में कौन आ गया, तो शुगर जगह के बीच में आ गया है और आकर के वहाँ पे भर गया है, यानी कि ये अलग जगह नहीं लिया है, उसी जगह में सब लोग क्या हो गए हैं, आकर के भर गए हैं। ठीक है, तो आकर के जब मिल जाइएगा उसी जगह में उतने ही में, तो वॉल्यूम थोड़ी ना बढ़ेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, एंड दीज स्पेसेज आर ऑक्यूपाइड बाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, और ये जो जगह है इस जगह को कौन ऑक्यूपाई करता है, तो शुगर का मॉलिक्यूल्स जो खाली जगह था वहाँ पर आकर के वो ऑक्यूपाई कर लिया। इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। इसका फिगर यहाँ पे है देखिए, ये इसका फिगर है, आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे बीकर लिया गया है, इस बीकर में 100 ml वाटर है देखिए, और ये 50 ग्राम यहाँ पे शुगर है नीचे, ये नीचे शुगर है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे ये वाटर का लेबल है तो मार्क कर देना है, निशान लगा देना है, आप देखेंगे यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। अब इस चीनी को इसमें क्या किया गया है, डाल दिया गया है वाटर में, यानी कि 100 ml वाटर, 50 ग्राम वहाँ पे क्या आ गया, शुगर, और इसको आप मिलाइए, मिलाइएगा धीरे धीरे, तो ये जो चीनी है ये क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और देखते हैं कि वाटर का लेवल बिल्कुल वहीं रहता है, ये वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। और इसमें वाटर भी है, H2O भी है, और इसके अलावा इसमें शुगर भी है, चीनी भी इसके अंदर है, फिर भी वाटर का लेवल बिल्कुल सेम टू सेम है। इससे ये पता चलता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह था, स्पेस था, इसको शुगर का मॉलिक्यूल्स का कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। चलिए अगला हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड ये है, ये देखेंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि जो मैटर का जो पार्टिकल है ना वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, यानी कि अगर ये एक मैटर है सपोज, और इसमें छोटे छोटे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स रेस्ट में नहीं है, ये मूव कर रहे हैं, और ये क्या है, मोशन में है, हमेशा मोशन में है। इसके लिए बहुत ही हम लोग सिंपल सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखिए दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन, या ब्राउनियन मूवमेंट भी बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही बात किए हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, थोड़ा सा डिफिनीशन वहाँ पे हुआ था। अगला हम लोग जो थर्ड वीडियो आएगा ना वहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ब्राउनियन मोशन क्या होता है ये भी हम लोग, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है ये भी हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देखें अगर नहीं देखे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन के मदद से हम इस प्रॉपर्टी को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। ये डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है कि ये एक फर्स्ट मैटर हो गया और एक यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड मैटर हो गया, तो फर्स्ट मैटर का भी पार्टिकल्स होगा, सेकेंड मैटर का भी यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स है, और ये सारे पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, यानी दोनों पार्टिकल्स जो है आपस में मिलता है, किस कारण से, क्योंकि पार्टिकल का यह प्रॉपर्टी है कि वो मूव करता है, वो रेस्ट में नहीं रहता है,
तो ये आपस में जो मिलते हैं इसको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर विथ द पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर बाय देयर मूवमेंट, यानी कि ये दोनों में क्या होता है तो मूवमेंट होता है, बाय देयर मूवमेंट इज नोन एज डिफ्यूजन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है इसको भी समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए ब्राउनियन मूवमेंट क्या है कि जो अभी अभी बात किए हम लोग कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स जो है ये एक सीधे इस प्रकार से मूव नहीं करता, ये सीधे इस प्रकार से मूव नहीं करता है, ये अगर मान लेते हैं बहुत फ्री है, फ्री किस में होता है तो आगे हम लोग डिटेल में जाएंगे, लिक्विड और गैस जो होता है, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स वो सीधा न चल करके कैसा चलता है, तो ये पहले इधर जाएगा फिर इधर आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, यानी उनका मोशन जिग जैग मोशन होता है। ठीक है, जिग जैग मोशन का मतलब बिल्कुल एक जैसा नहीं है, कभी इधर जाएगा कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस प्रकार से ऐसे मूव करता है। ठीक है, पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ इस प्रकार से आते रहता है, तो इसको जिग जैग मोशन बोलते हैं, और जिग जैग मोशन का ही नाम है ब्राउनियन मूवमेंट, जिग जैग मोशन। तो जिग जैग मोशन को ही बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स मूव करता है। इसके अलावा हम लोग और दूसरा बात करेंगे, यानी कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए एग्जांपल ए है, क्या है कि व्हेन एन इंसेंस स्टिक, अगर अगरबत्ती को आप क्या करते हैं, लाइट करते हैं, जलाते हैं अगरबत्ती को, तो जैसे ही अगरबत्ती को लाइट कीजिएगा, इंसेंस स्टिक बोलते हैं उसको, और उसको आप लाइट करते हैं, यानी कि LIGHT लाइटेड, या फिर लीट भी लिख सकते थे, LIT लीट बने जलाना होता है, तो इट्स फ्रेग्रेंस, ध्यान सुनिए फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस का मतलब होता है उसका सुगंध, यानी कि प्लेजेंट स्मेल। तो इसका जो फ्रेग्रेंस होता है वो स्प्रीड करता है होल रूम में, यानी कि पूरे रूम में इसका फ्रेग्रेंस क्या होता है, फैल जाता है क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी तुरंत उसका स्मेल पूरे रूम में फैल जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक, यानी कि जो इंसेंस स्टिक का पार्टिकल, यानी कि जो अगरबत्ती का जो पार्टिकल है, वो मूव करता है रैपिडली तेज़ी के साथ, और वो मिक्स करेगा किसके साथ में, मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स करता है एंड रीचेज टू एवरी पार्ट ऑफ द रूम। अगला दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ये फिगर था, ये देखिए ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है जो हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है डिफ्यूजन ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट इन वाटर। तो सबसे पहले जानिए कॉपर सल्फेट, तो कॉपर का सिंबल Cu है, ये देखिए कॉपर का होता है Cu और सल्फेट का होता है SO4, तो ये CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया, और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो बिल्कुल ब्लू कलर का ये होता है, इस प्रकार से इसका क्रिस्टल होता है बिल्कुल ब्लू ब्लू, एकदम स्काई ब्लू कलर का होता है। ये इसके दाने हैं, यानी कि दाने को हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, क्रिस्टल बोला जाता है। ये है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4, ये CuSO4 के क्रिस्टल हैं। अब देखिए ये क्या है, तो ये आपका टेस्ट ट्यूब बोल सकते हैं इसको, ये टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में वाटर रखना है। सबसे पहले यहाँ पे 3-4 दाना, ज़्यादा नहीं, 4 से 5, 6, 7 दाने रख लीजिए, किसका, तो ये दाना किसका हो गया, तो कॉपर सल्फेट का दाना हो गया, और उसमें क्या करना है, वाटर को धीरे से पोर कर देना है, नहीं तो दूसरा उपाय ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले इसमें वाटर ले लीजिए, वाटर ले लिए, और इसके बाद इसमें 3 से 4 या 5 दाने को डाल दीजिए, ऊपर से धीरे से जो होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, चिमटा बोलते हैं उसको, टॉन्ग्स बोला जाता है, टॉन्ग्स के मदद से
चार पांच दाने को इसमें नीचे पानी में रख देना है पकड़ करके। तो आप देखिएगा जो ब्लू कलर जो है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इनिशियली मतलब कि शुरुआत में ये ब्लू कलर आपको नीचे दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये ब्लू कलर कहाँ जा रहा है ये देखेंगे, धीरे धीरे ये ब्लू कलर ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि बढ़ते जा रहा है, और कुछ समय के बाद ये पूरा वाटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो वाटर है वो पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी कि होल वाटर बिकम्स ब्लू। तो इससे ये पता चलता है कि जो यहाँ पे क्रिस्टल था उस क्रिस्टल में हजारों लाखों मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे हैं, ये सारे पार्टिकल्स एक जगह पे नहीं रहते हैं एक जगह पे, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स क्या करता है, ये सारे पार्टिकल्स आपस में मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, क्या करेंगे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब वाटर भी तो एक मैटर है, वाटर क्या है तो मैटर है, तो मैटर जितने भी होते हैं पार्टिकल्स से मिल के बने, तो वाटर का भी तो पार्टिकल्स होगा, और वाटर का ये पार्टिकल्स है ये भी क्या करता है, वाइब्रेट करते रहता है, मूव करते रहता है। तो ये दोनों पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे, टकराएंगे, और धीरे धीरे पूरे वाटर में फैल जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे है, देखिएगा एग्जांपल सेकंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सेकंड एग्जांपल क्या है ये देखिए, कि व्हेन मतलब कि जब, व्हेन ए फ्यू क्रिस्टल यानी कि एक बहुत ही कुछ दाना, 5-10 दाना क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसका CuSO4 बोलते हैं, उसका फॉर्मूला, इसका कलर कैसा है तो देखिए ब्लू कलर होता है, आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए बीकर कंटेनिंग वाटर, यानी एक बीकर है, बीकर के बॉटम में इसको प्लेस करना है, उस बीकर में क्या है, वाटर है। द ब्लू कलर स्पीड्स अपवर्ड स्लोली, धीरे धीरे ब्लू कलर ऊपर की हो जाएगा और पूरे वाटर को ब्लू कर देगा। इससे ये पता चलता है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि द पार्टिकल्स ऑफ CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का जो पार्टिकल्स है, विच आर ब्लू इन कलर, मूव कॉन्स्टेंटली, हमेशा मूव करता है एलॉन्ग विद द मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर भी एक क्या है, सब्सटेंस है, मैटर है, तो वाटर का भी मॉलिक्यूल मूव करेगा, तो उसके साथ मिल करके मूव करते रहता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, एंड स्प्रेड इन द होल वाटर, और पूरे वाटर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये इसका यहाँ पे हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, नोट क्या है, ध्यान से देखिए कि इफ़ ए हॉट वाटर इज यूज इन स्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, जैसे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे बीकर था, ये इस प्रकार का बीकर, इस बीकर में वाटर लिए थे ऐसे, तो ये जो वाटर लिए थे यहाँ पे, ये क्या था, सपोज कीजिए ये कोल्ड वाटर है, अब कोल्ड वाटर के जगह पे आप हॉट वाटर इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी, तो जब आप ये हॉट वाटर लीजिएगा तो ये जो स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर जो हुआ था ना, जो ब्लू कलर यहाँ पे था, तो धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे वाटर में क्या हुआ था, फैल गया था, तो उसका स्प्रेडिंग ज़्यादा तेज़ी से होता है, यानी कि द रेट ऑफ स्प्रेडिंग ब्लू कलर इज फास्टर, तेज़ी से होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यों होता है तेज़ी से, कि व्हेन हीट इज गिवन, जब आप हीट देते हैं, तो यहाँ पे हीट दीजिएगा तो वो हीट कहाँ जाएगा, वाटर के पास जाएगा, और अगर उस वाटर में CuSO4 है तो CuSO4 के पास में जाएगा। द पार्टिकल्स गेट हीट, पार्टिकल क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट एनर्जी को, यानी कि वाटर का पार्टिकल हो या फिर CuSO4 का पार्टिकल हो, वो हीट को लेगा एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, तेज़ी से मूव करना शुरू करता है। जब मूव तेज़ी से करेगा तो एक दूसरे से टकराएगा भी तेज़ी से, सो द रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ कलर इज फास्टर, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से मिक्स होता है। भाई यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पॉइंट, यानी कि 4th प्रॉपर्टी है, हम लोग 3 पढ़ चुके हैं कि भेरी भेरी स्मॉल होता है, पहला था कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो भेरी भेरी स्मॉल होते हैं, दूसरा पढ़े थे कि उनके बीच में क्या होता है, तो उनके बीच में जगह होता है, स्पेसिस बिटवीन देम, तीसरा क्या देखिए, कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, तो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, तो 1, 2, 3 हो गया।
तो चौथा हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, एक दूसरे को खींचते रहते हैं। ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। देखेंगे कि व्हेन वी बीट, जब हम लोग पीटते हैं, किसको पीटते हैं, तो ए पीस ऑफ चॉक विथ ए हैमर, यानी चॉक लीजिए, चॉक को हैमर से बीट कीजिए, पीटिए, तो बिल्कुल इजीली, यानी कि इट इजीली ब्रेक्स इनटू पीसेस, तो ये आसानी से पीसेस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन व्हेन वी बीट ए पीस ऑफ नेल, यानी एक नेल ऑफ आयरन, यानी कि लोहे की कील है, आप उसको उसी हैमर से पीटिए, तो इट डज नॉट ब्रेक, ये टूटता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देयर इज ए फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स विच बाइंड देम टुगेदर, यानी कि जो पार्टिकल, जैसे अभी बात किए थे हम लोग कि चाहे वो चौक हो, चाहे वो आयरन का नेल हो, एक मैटर है, तो मैटर जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है, और वो पार्टिकल आपस में एक दूसरे को पकड़ करके रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं, टाइटली एक दूसरे को होल्ड करके रखे हैं, ताकि आप वहाँ पे किसी भी चीज़ से हिट कीजिए, उसको अलग करना चाहते हैं, तो वो अलग नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो चौक था वो चौक आसानी से इजली वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि उस पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसमें थोड़ा जगह ज़्यादा है, इसके अलावा वहाँ पे जो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चौक में कम है, इस कारण से इजली हो गया था अलग। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नेल का, बात करते हैं ये नेल है, तो नेल बिल्कुल अलग नहीं होता है, चाहे आप कितना भी पीट लीजिए, वो भले चपटा हो जाएगा, क्योंकि जो आयरन का जो नेल है उसके अंदर का जो पार्टिकल्स है, आयरन पार्टिकल्स, वो एक दूसरे को बहुत ही टाइटली, वेरी स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं। द फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ चॉक इज लेस स्ट्रांग देन द नेल, यानी नेल के कंपेरिजन में वो जो है ज़्यादा ही स्ट्रांग है। अब आगे देखिए, और एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ऑल्सो वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन हेयर, यानी कि हवा में आप हाथ को आसानी से इधर से उधर कर सकते हैं, इजली हैंड को मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वही वाटर में मूव करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, यानी कि थोड़ा सा क्या होगा, लिटिल स्लोली इन वाटर, यानी कि वाटर में थोड़ा सा दिक्कत होता है हाथ को मूव कर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बट कि कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक प्लैंक ऑफ वुड है, लकड़ी का टुकड़ा, आप उस लकड़ी के टुकड़े में अपने हाथ को मूव करना चाहते हैं, तो वी कैन नॉट मूव आवर हैंड इजली थ्रू ए प्लैंक ऑफ वुड, आसानी से लकड़ी के टुकड़े में आप हाथ को मूव नहीं कर पाइएगा। क्यों? रीज़न ये है कि जो प्लैंक ऑफ वुड है वो भी तो पार्टिकल से मिलके बना है, और अगर वो पार्टिकल से मिलके बना है तो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाथ को हम लोग आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं। वाटर में क्यों मूव कर लेते हैं? क्योंकि पार्टिकल है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो आप अपने हाथों से उस पार्टिकल को आसानी से हटा देते हैं। हवा में पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है, ज़्यादा ही दूर होता है, जिस कारण से आप हाथ से पार्टिकल को आसानी से डिस्प्लेस कर देते हैं, मूव कर देते हैं। तो इट शोज दैट, ये क्या दिखाता है, ध्यान से देखिएगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन ए सॉलिड मैटर इज मैक्सिमम, यानी कि जो सॉलिड होता है उस सॉलिड के बीच का जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। इट इज़ मॉडरेट इन लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड में न कम है और न ही ज़्यादा है। कौन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं पार्टिकल के बीच में। इट इज़, अगला देखिए, मिनिमम इन गैसियस स्टेट, अगर वही कोई सब्सटेंस गैस के स्टेट में है तो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा। नेक्स्ट टर्म इज रिजिडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी, तो रिजिडिटी जैसे नाम से पता चल रहा है कि रिजिड होता है, रिजिड का मतलब
हिंदी में दृढ़ बोलते हैं या स्ट्रांग बोलते हैं, मजबूत बोल सकते हैं, ये है रिजिड का मतलब दृढ़। कि ये क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, यानी कि मैटर का क्या है प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाई विच, जिसके कारण से, इट ओपोजेज, ओपोजेज का मतलब ये विरोध करता है, किसका विरोध करता है, द चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, यानी कि कोई भी एक मैटर है उसको हम लोग शेप में, उसके हम लोग साइज में क्या करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो ये जिस प्रॉपर्टी के कारण वो बदलाव को नहीं होने देता है उसका ओपोज करता है, विरोध करता है, उसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, यानी इस प्रॉपर्टी के कारण मैटर आर अनबेंडिंग, यानी इसी प्रॉपर्टी के कारण, रिजिडिटी के कारण जो मैटर होते हैं वो आसानी से मुड़ते नहीं हैं, एंड इनफ्लेक्जिबल, यानी कि आसानी से आप उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, किसके कारण से, तो हम लोग जानते हैं रिजिडिटी के कारण से। सॉलिड्स आर रिजिड, जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है तो ये रिजिडिटी जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब मेन प्रॉपर्टी, उसका हम लोग बोलते हैं जो असली जो है रियल प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा, यानी कि रिजिडिटी मतलब है तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसका हो गया कि वो क्या करता है, रिजिड होता है, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आप आसानी से पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते हैं। वेसल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप देम, और उनको रखने के लिए किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं है, सॉलिड को आप कहीं भी रखिएगा बिना बर्तन का भी, किसी भी जगह पर रख दीजिए, वो आसानी से वहाँ पर रहेगा, अपने शेप को, अपने साइज को, अपने वॉल्यूम को बना के रखता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे वेसल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप देम, उनको रखने के लिए किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं है। अगला एक और यहाँ पर देखेंगे फ्लूइडिटी, ये देखिए एक और प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, जैसे वहाँ पे रिजिडिटी था यहाँ पे क्या है फ्लूइडिटी। एक और बात जानिए कि जो हम लोग बात किए अभी रिजिडिटी का बात किए थे, रिजिडिटी, तो रिजिडिटी जो होता है वो किसके लिए होता है, तो ये सॉलिड के लिए होता है, सॉलिड का ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सॉलिड का। लेकिन जो यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे किसका, फ्लूइडिटी का, तो फ्लूइडिटी किसके लिए होता है, तो लिक्विड के लिए होता है और गैस के लिए होता है, ये दोनों में क्या होता है, तो फ्लूइडिटी होता है। चलिए आगे इसके देखते हैं हम लोग फ्लूइडिटी क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, ये भी एक मैटर का प्रॉपर्टी है। बाय वर्चू ऑफ विच, मतलब जिसके कारण से, इट कैन फ्लो ईजली, जिसके कारण से ये आसानी से क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है, यानी कि किसी भी मैटर का वैसा प्रॉपर्टी, वर्चू का मतलब वैसा प्रॉपर्टी, ठीक है, द प्रॉपर्टी लिखा हुआ है यहाँ भी, जिसके कारण से ये आसानी से क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। और है लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो ईजली, यानी कि लिक्विड है और गैस है, यही दोनों ऐसा सब्सटेंस है, यानी कि किसी भी मैटर का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ मैटर, जो आसानी से क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है। सो कॉमनली बोथ आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स, तो दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, FLUID, ये फ्लूइड बोलते हैं, इस लगा दीजिए फ्लूइड्स। क्यों बोलते हैं फ्लूइड्स, क्योंकि दो लोग हैं, दो लोग मतलब कि दो टाइप का मैटर, एक हो गया लिक्विड मैटर जो लिक्विड फॉर्म में होगा, और दूसरा होता है गैसियस मैटर, यानी गैसियस सब्सटेंस, ये दोनों क्या कहलाएगा, फ्लूइड, क्योंकि दोनों बहता है, यानी इजली फ्लो करता है। आगे देखिए, लिक्विड्स हैव ए वेल डिफाइंड सरफेस, यानी जो लिक्विड है उसका एक सरफेस होता है, चाहे आप वाटर में रखिए तो वाटर के ऊपर का सरफेस जो होगा उसका उस प्रकार का वाटर बन जाता है, अगर उसको आप किसी बाउल में रखते हैं तो बाउल जैसा बन जाएगा, किसी ग्लास में रखते हैं तो ग्लास जैसा बन जाएगा, लेकिन शेप तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो सरफेस है ऊपर सरफेस में एक फिक्स सरफेस होता है, जैसे ग्लास में रख दिया तो ग्लास के ऊपर का सरफेस फिक्स होगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। तो इट ऑक्युपाई
लोअर पोर्शन ऑफ द वेसल, यानी अगर किसी बर्तन में आप रखते हैं, जैसे देखिए ये एक बर्तन है, इस बर्तन में हम लिक्विड रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड ऊपर में रहेगा ऐसे और नीचे वाला ये पोर्शन में लिक्विड नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि लिक्विड जो होता है वो लोअर पोर्शन को क्या करता है, वेसल के लोअर पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है, इन विच इट इज़ केप्ट, यानी कि जिस वेसल में रखा गया है इसको, उस वेसल के लोअर पोर्शन को ये ऑक्यूपाई करता है। अब गैसेस हैव नॉट ए वेल डिफाइंड सरफेस, यानी गैस के पास में कोई भी वेल डिफाइंड सरफेस नहीं होता है, कोई भी एक अच्छा तरीका से, जो बोलते हैं कि एक जैसे सरफेस हम लोग लिक्विड के ऊपर देखे थे, एक गोल सा लंबा जैसा भी होगा, अगर ये सपोज कीजिए इस प्रकार का कोई बर्तन है और इसमें हम लोग वाटर रखते हैं, तो ये वाटर भर दिए, तो वाटर के ऊपर से दिखेगा तो बिल्कुल गोला दिखाएगा, यहाँ पे सरफेस दिखाई देगा, लेकिन गैस के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, गैस का कोई वेल डिफाइंड सरफेस नहीं है। इट ऑक्यूपाइज होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, यानी कि जिस कंटेनर में इसको रखा गया है वो पूरे के पूरे कंटेनर को क्या कर लेता है, भर लेता है। आगे आइए, यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के आधार पे इसको तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तीनों को हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोलते हैं, यानी कि कोई मैटर है वो तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे, ये हम लोग पहले से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सीखिए कि द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड साइज, ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये ऐसा है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का वैसा स्टेट जिसका शेप भी फिक्स होता है और जिसका साइज भी फिक्स होता है। तो फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड साइज लिखा हुआ है, कभी कभी साइज के जगह पे हमें वॉल्यूम मिलेगा, ये वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि इसका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट या सॉलिड्स। एग्जांपल में आइस है, वुड है, कोल है, ये स्टोन है, आयरन है, ब्रिक्स है, ये सब है। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टी है वो जानना ज़रूरी है। देखिए पहला कि दी है फिक्स, दे है फिक्स शेप एंड फिक्स साइज, ये तो डिफिनीशन वाला है कि साइज और शेप फिक्स होता है। दे कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच, यानी अगर कोई सॉलिड है आप चाहते हैं कि उसको हम दबा दें, दबा करके उसके साइज को छोटा कर दें, यानी कि उसके वॉल्यूम को छोटा कर दें, तो आप नहीं कर सकते, उसको प्रेस करके वॉल्यूम को छोटा नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, इट दे हैव हाई डेंसिटीज़, यानी कि जो उनमें डेंसिटी होता है, डेंसिटी का मतलब कितना हेवी है और कितना हेवी नहीं है, यानी कि कौन हल्का है और कौन हेवी है, इसका होता है डेंसिटी से पता चलता है, हम लोग इस बात को पता लगाते हैं कि इसका जो डेंसिटी होता है हाई है, इट मींस दे आर हेवी, यानी कि क्या होते हैं वो भारी होते हैं। किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो हम लोग सॉलिड पढ़ रहे हैं तो लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में हम लोग बात करेंगे। आगे आइए, दे डू नॉट फील द कंटेनर कम्प्लीटली, यानी कि जिस कंटेनर में रखा गया, यहाँ पे कंटेनर लिखा हुआ है, ये देखिए देखिएगा, दे डू नॉट फील कंटेनर कम्प्लीटली इन विच दे आर केप्ट, यानी कि उस बर्तन में जिसमें इसको रखा गया है वो पूरे कंटेनर को फील नहीं करता है, ठीक है। और सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, जो सॉलिड होते हैं वो बहते नहीं हैं, लिक्विड जैसे गैस बह जाते हैं, ब्लो करते हैं, फ्लो करते हैं, वैसा ये सॉलिड डू नॉट फ्लो। आगे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव प्रॉपर्टीज, जो हम लोग ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन है कि इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जो पार्टिकल्स होता है बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होता है सॉलिड में, बहुत नज़दीक होता है। देयर इज ए स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड का पार्टिकल, उसके बीच का जो पार्टिकल्स है, उसके बीच का जो स्पेस होता है वो उस स्पेस कम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ आगे पढ़ेंगे, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बाई विच
पार्टिकल्स आर होल्ड टुगेदर इन ए फिक्स्ड पोजीशन, जिस कारण से पार्टिकल जो है वो एक फिक्स्ड पोजीशन में रह पाता है। क्यों? क्योंकि उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। आगे आइए, देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड ओनली वाइब्रेट, यानी कि ये एक सॉलिड है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट का मतलब एक बार इधर जाएगा फिर एक बार इधर जाएगा, इसको वाइब्रेट करना बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो ये उधर जा रहा है, फिर ये आ रहा है वापस, फिर नीचे आ रहा है, इसको वाइब्रेट बोलते हैं। यानी कि जिसका जो पोजीशन होता है, जो मीन पोजीशन है, ये इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो यानी कि इधर और उधर टू एंड फ्रो मोशन करना है, इसको हम लोग बोलेंगे वाइब्रेट कर रहा है। यानी कि पार्टिकल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते हैं सॉलिड का पार्टिकल। इस कारण से अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा किधर गया, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, मूव नहीं करता। इस कारण से फ़ायदा ये होता है कि सॉलिड्स हैव मोस्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो सॉलिड होता है वो बहुत ही वेल अरेंज्ड होता है, एक अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित किया हुआ रहता है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या है, इफ़ ए सॉलिड इज हीटेड, अगर एक सॉलिड को क्या करते हैं आप, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर, यानी वो जो पार्टिकल उसका है, जो मैटर का जिसको आप गर्म किए, वो तेज़ी से हीट लेकर के क्या करता है, वाइब्रेट कर, बिकॉज दे गेन हीट एनर्जी, यानी कि उनको एनर्जी मिल जाता है, वो बहुत ही तेज़ी से क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करते हैं, एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। यहाँ पे एक वर्ड आया, ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी, ये क्लास 8 में हम लोग बात किए थे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, शायद आप लोग सब भूल गए होंगे कि अगर यहाँ पे कोई एक मैटर है, ये जा रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि इसमें क्या है, मोशन है, तो मोशन के कारण ये किसी को चोट पहुँचा सकता है, अगर किसी टकरा गया, हो सकता है कि किसी बालू के ऊपर गया तो बालू को डिस्प्लेस कर सकता है, पानी में गया तो पानी को हटा कर सकता है, यानी कि इसमें कुछ काम करने की क्षमता होती है। तो काम करने की क्षमता होती है, ठीक है, मतलब कि ये मोशन के कारण हो रहा है। देखिए यहाँ पे, इफ़ ए सॉलिड इज हीटेड इट्स पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर का मतलब मोशन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ काम कर सकता है, तो ये मोशन के कारण में इसमें एक एनर्जी होता है, उस मोशन के कारण इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी होगा, और इसी एनर्जी को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, यानी कि द एनर्जी पोसेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, यानी मोशन के कारण में जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हीट किया गया है तो हीट को गेन करता है, यहाँ पे गेन हीट एनर्जी, और तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट तेज़ी से करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड आर वेरी वेरी क्लोज, यानी सॉलिड का पार्टिकल क्या होता है, तो बहुत ही नज़दीक होता है, सॉलिड का पार्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ वेरी वेरी क्लोज होते हैं, उनके बीच में बहुत ही कम जगह होता है, क्लोज टू इच अदर एंड दे हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम, कहने का मतलब क्या है कि अगर सॉलिड नज़दीक नज़दीक है, ऐसा बहुत नज़दीक नज़दीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है एक दूसरे को स्ट्रांग फोर्स से, तो इसको हिलने देगा, ज़्यादा हिलने नहीं देगा, तो थोड़ा मोड़ा हिलेगा, यानी इधर जाएगा थोड़ा सा इधर जाएगा, यानी कि थोड़ा मोड़ा मूव करता है, इस कारण से इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इसका बहुत ही कम होता है, तो सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका मिनिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, लिक्विड में मॉडरेट होता है, मतलब कि न ज़्यादा और न ही ज़्यादा कम, और तीसरा क्या, इसमें गैस में मैक्सिमम होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स में मोशन बहुत ही ज़्यादा होता है, फ्री होते हैं तो आसानी से क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो हम लोग ऊपर बता देते हैं, यहाँ भी है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू दीज पार्टिकल्स, यानी कि ये जो पार्टिकल है, प्रॉपर्टीज जो है इस पार्टिकल का, वो प्रॉपर्टी के कारण सॉलिड्स हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही
ऑर्डरली रहते हैं, यानी कि एक व्यवस्थित ढंग से होते हैं। अगला ये, यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं। जैसे एक रबर बैंड है, कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज इवेन इट इज़ कॉल्ड ए सॉलिड। मतलब ये रबर बैंड है, उसको आप स्ट्रेच कीजिएगा तो साइज और शेप को चेंज कर लेता है, फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक सॉलिड है। लेकिन सॉलिड का जो साइज होता है और जो उसका शेप होता है, सॉलिड का डिफिनेशन में लिखे हैं कि फिक्स्ड होता है, ये दोनों क्या होता है तो फिक्स्ड होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो फिक्स्ड नहीं है, फोर्स लगा दिए तो फोर्स लगाने के बाद में क्या हो जा रहा है, वो शेप जो है वो और जो साइज है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो क्यों फिर भी इसको सॉलिड बोल रहे हैं? तो व्हेन इट इज़ स्ट्रेच, जब उसको स्ट्रेच करते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि वो अपने आप नहीं होता, आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं उसका, रबर बैंड को खींचते हैं, तो तब जाकर के वो क्या होता है, उसका शेप और साइज चेंज होता है, यानी अपने आप नहीं। आप अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स तो इट चेंजेज द शेप एंड अगेन इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। यानी कि इससे क्या होता है कि जब हम लोग कंप्रेस करते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं रबर बैंड को, तो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने से शेप साइज चेंज हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही आप उसको छोड़ दीजिएगा तो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सॉलिड, यहाँ इफ़ नहीं है, इट है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सॉलिड, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे। चल आगे देखते हैं दूसरा क्या है, ध्यान से देखिएगा दूसरा, कि वेन सॉल्ट सुगर लाइक सब्सटेंस आर केप्ट इन ए जार। यानी कि सॉल्ट जो होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, सुगर का भी छोटा छोटा इस प्रकार का दाना होता है, ये अगर हम इसी जार में रखते हैं, जार का मतलब क्या होता है, एक डब्बा जार, उस जार में अगर आप इसके रखते हैं तो होगा क्या, इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल। यानी कि जिस जार में रखे हैं शुगर या जिस जार में रखे हैं चीनी, चीनी तो बोल दिए, शुगर नमक रखे हैं सॉल्ट, तो उसी जार के जैसा बन जाएगा, लंबा है तो लंबा जार, पतला है तो पतला जार, आप जिस चीज़ में रखिए उसका शेप उसी प्रकार का हो जाता है। मतलब कि उसका डिफिनिट शेप नहीं है, फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, उसको सॉलिड बोलते हैं। यहाँ पे ये बातें लिखी देखिए, इट मीन्स इट डज नॉट, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ इट मीन्स इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप, क्योंकि जिस बर्तन में रख रहे हैं, जिस वेसल में रख रहे हैं, वो उसी के जैसा बन जा रहा है। इवेन इट इज़ कॉल्ड ए सॉलिड, फिर भी इसको क्या बोला जाता है, सॉलिड। क्यों कि इच इंडिविजुअल क्रिस्टल के बारे में सोचो ना मतलब कि जो शुगर जो है छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, तो हर एक क्रिस्टल के बारे में सोचो, इच क्रिस्टल के बारे में सोचो, ये इंडिविजुअल क्रिस्टल ऑफ साल्ट शुगर रिमेन्स फिक्स्ड, एंड उसका साइज क्या होता है तो फिक्स्ड रहता है, एंड हैज डिफिनिट शेप। उस एक क्रिस्टल, जैसे यहाँ पे बताएं एक दाना है, ये इस दाने को देखो तो इस दाने का जो शेप होता है बिल्कुल ही फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता, इसका साइज चेंज नहीं होता। इस क्रिस्टल के बारे में सोचो तो इस क्रिस्टल का साइज और शेप दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। ये इतने छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, जिस कारण से जिस बर्तन में रखते हैं, जिस वेसल में, उसी का वो शेप ले लेता है, ठीक है। डिफिनिट शेप और साइज किसका होगा, तो इंडिविजुअल लिखा हुआ है, इंडिविजुअल क्रिस्टल का शेप और साइज दोनों क्या होता है, इंडिविजुअली डिफिनिट होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ वेसल बिकॉज क्रिस्टल्स आर सो स्मॉल, यानी जो क्रिस्टल है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, जिस कारण से वो किसी भी बर्तन का शेप ले लेता है। ये देखिए, ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज के क्लास का, एक बात करेंगे हम स्पंज के बारे में, SPONGE, ये स्पंज है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कि सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेस्ड, यानी कि कोई भी सॉलिड चीज़ आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज सॉलिड, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग स्पंज के बारे में बात कर रहे हैं, कि सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेस्ड बट स्पंज कैन बी कंप्रेस्ड इवन देन इट इज़ कॉल्ड ए सॉलिड। यानी कि हम लोग किसी भी सॉलिड को कंप्रेस करके वॉल्यूम छोटा नहीं कर सकते, लेकिन स्पंज को हम आसानी से कंप्रेस करते हैं और उसको वॉल्यूम को छोटा कर देते हैं, फिर भी उसको सॉलिड क्यों कहा जाता है,
क्योंकि सॉलिड जो है उसका मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं है। तो फिर भी यहाँ पे तो देखते हैं कि एक जो स्पंज होता है वो कंप्रेस किया जाता है, क्यों? रीज़न ये है कि इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स, छोटे छोटे ढेर सारे पोर्स होते हैं, ढेर सारे उसमें होल्स होते हैं। इन विच एयर इज फिल्ड, उसके अंदर में क्या भरा रहता है? तो एयर भरा रहता है, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स हैं उसके अंदर में एयर भरा हुआ है। कि व्हेन अ स्पंज इज कंप्रेस्ड, जब आप उस स्पंज को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, द फील्ड एयर इज एक्सपेल्ड आउट, यानी वो जो उसके अंदर में जो हवा है वो क्या हो जाता है, एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। हवा कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। एंड इट इज हाईली कंप्रेस्ड, जब हवा निकल गया तो उसका जगह खाली हो गया तो इसलिए कंप्रेस हो जाता है। कहने का मतलब स्पंज क्या है, स्पंज एक सॉलिड है, लेकिन इसको कंप्रेस करते हैं इस बेसिस पे बोलेंगे कि सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेस्ड लेकिन इट कैन बी कंप्रेस्ड, ये गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं स्पंज में, जिसके अंदर में हवा होता है, हम प्रेस करते हैं तो हवा बाहर निकल जाता है, इस कारण से हम स्पंज को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो सो ये स्पंज इज़ कंसिडर्ड एज ए सॉलिड। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, आप आराम से, मैंने धीरे धीरे बताया है, ज़्यादा स्पीड में नहीं बताया है, तो आप इसको देखिए और क्या कर लीजिए, नोट कॉपी भी आप बना लीजिए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बोले थे कि आपको बिल्कुल इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, जब भी वीडियो इस YouTube चैनल पे अपलोड होगा तब आपको ज़रूर मिलेगा नोटिफिकेशन कि न्यू वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। We'll be right back.